Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. Moving to the new and the next chapter of your book, that is Nutrition in Animals, chapter number 2. So students, aapko yaad hoga, maine aapko pehle chapter mein Nutrition in Plants ke baare mein padhaya tha, jisme maine aapko autotrophs and heterotrophs ke baare mein baat ki thi maine. Autotrophs hote hain jo ki apna khana khud banate hain, like plants, aur heterotrophs hote hain jo ki apna khana khud nahi banate hain, dusre pe depend hote hain, theek hai? तो स्टूडेंट्स आप लाइक हेटरोट्रॉफ्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है लाइक जिसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं एनिमल्स आते हैं और कुछ प्लांट्स आते हैं और ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है तो न्यूट्रिशन पहले जान लेते हैं क्या होता है ये आपको पता होगी मैंने आपको पहली चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था डिटेल में तो न्यूट्रिशन क्या होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड खाते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको इस्तेमाल करते हैं सर्वाइव करने के लिए स्टूडेंट्स अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाए तो क्या होगा हम अपनी मतलब बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हो जाएगी जिसमें क्या हो जाएगा जो हम दिन मतलब डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में रनिंग वॉकिंग वगैरह बहुत कुछ काम करते हैं वो अच्छे से हो जाएगा हमारी बॉडी की जो वाइटल फंक्शंस है लाइक डाइजेशन है ब्रीदिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी तो ये था न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है एनिमल्स के लिए तो स्टूडेंट्स मतलब अब क्या है डिफरेंट तरीका होता है मतलब खाना खाने का मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरीका होता है जैसे कि हम है ह्यूमन बीइंग से हमारा सेम वे है हमारा सेम तरीका है लाइक हम क्या करते हैं हम मुंह में खाना लेते हैं इसको चबाते हैं च्यू करते हैं फिर इसको मतलब निगलते हैं मतलब आगे फिर कौन से प्रोसेस होते हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन स्टूडेंट्स एनिमल्स जो होते हैं उनका डिफरेंट तरीका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरीका डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट तरीका होता है खाने का मोड ऑफ टेकिंग फूड पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंजेशन क्या होता है द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन जब हम फूड लेते हैं जब फूड हम लेते हैं मुंह में उसको इंजेशन बोलते हैं ठीक है ना तो स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन वेरियस वेज अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो फूड डिफरेंट तरीके से लेते हैं ठीक है ना डिफरेंट तरीके से लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला हम जो है हमारा ह्यूमन बींग्स का अलग ले लीजिए आप वो हम उनका सेम वे होता है लेकिन जो एनिमल्स है उनका डिफरेंट तरीका होता है लाइक बीज है वो सक करती है प्लांट्स मतलब वो क्या करती हैं बीज लेंगे आप जो हनी बीज होती है वो क्या करती है वो फ्लावर में से नेक्टर सक करती हैं मतलब चूसती हैं वो सक करती हैं उनके पास दांत नहीं होगा जो वो चबाएंगे ठीक है ना वो चबाते नहीं हैं स्नेक्स क्या करते हैं स्वॉलो करते हैं सीधे निगल ही लेते हैं जब स्नेक्स फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग को पकड़ लेंगे ठीक है ना खाने के लिए शिकार के लिए वो क्या करेंगे वो उसको सीधे निगल लेते हैं वो खाते नहीं हैं वो चबाते नहीं हैं उसको सॉरी ठीक है हो गया ना डिफरेंट बीज ने डिफरेंट तरीका अपनाया स्नेक्स ने डिफरेंट अपना तरीका मतलब अपनाया एक्वाटिक जो करते हैं जो पानी में क्या जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं जो उधर पे जो फूड पार्टिकल्स टाइनी टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उस पानी में नज़दीक से वो वही खा लेते हैं ठीक है ना इन्फेंट्स जो होते हैं वो सक मदर्स मिल्क इन्फेंट्स जो होते हैं जो मतलब जिन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जो ना मतलब दूध पीते हैं माँ का चाहे वो एनिमल्स के मतलब इन्फेंट्स हो या वो इंसानों के इन्फेंट्स से वो क्या करते हैं वो अपनी माँ का दूध सक करते हैं क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते चबाने के लिए वो क्या करते हैं वो सक करते हैं अपने माँ का दूध सक करते हैं ठीक है इन्फेंट्स मतलब आपने सुना होगा हिंदी में जिसको नवजात शिशु बोलते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं वो क्या करते हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं वो अपने माँ का जो दूध है वो सक करते हैं समझ आया तो स्टूडेंट्स आ गया ना डिफरेंट तरीका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरीका आया फूड इंजेस्ट करने का समझ में आया आपको गुड स्टारफिश का भी देख लेते हैं वो कैसे फूड लेती है फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्टारफिश टेक्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड शेल स्टमक गोज बैक इन टू द बॉडी एंड फूड स्लोली डाइजेस्ट देखिए स्टूडेंट स्टारफिश क्या करती है स्टारफिश जो होता है वो क्या करते हैं एनिमल्स उन एनिमल्स पे फीड करती है वो क्या वो एनिमल्स जो होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग होती है उनके ऊपर एक शेल जैसी होती है हार्ड शेल होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ठीक है ना अब जो उस शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है वही स्टारफिश खाता है स्टारफिश क्या करता है मुंह में से अपने माउथ में से स्टमक को बाहर निकाल आता है ठीक है ना स्टमक जो सॉरी स्टारफिश जो होता है अपने मुंह में से स्टमक को बाहर निकाल आता है तो फिर क्या करता है उस जो स्टमक बाहर निकाल आता है उसी से वो क्या करता है उसी से वो जो सॉफ्ट एनिमल जो शेल के अंदर है क्या करता है उसको
खा लेता है, ठीक है ना, फिर स्टमक को वापस अपनी बॉडी में डाल लेता है वो, उधर पे वो आहिस्ता आहिस्ता से वो फूड जो है जो उसने खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। समझ आया? स्टार फिश का काफ़ी डिफरेंट था ना, इंटरेस्टिंग था ना इसका तरीका खाना खाने का। देखो स्टार फिश क्या करती है, अपने मुंह से स्टमक को बाहर निकाल लेती है, तो क्या करता है वो जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसी को खा लेता है, फिर स्टमक को वापस अपनी बॉडी में डाल लेता है और फिर उधर जो फूड है उसका जो उसने खा लिया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से खुद डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ लिया इसमें, हमने ये पढ़ लिया स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन है वो क्यों, प्रॉपर न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत है मतलब हमारे लिए, और डिफरेंट जो है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का, ठीक है ना, हमने पढ़ लिया ये। अब अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।